स्वागत है आप लोगों का बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉलम और स्ट्रट। देखिए कॉलम और स्ट्रट का मैं डिफिनेशन आपको पहले बताता हूं, उसके बाद इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए कॉलम क्या होता है, किसी मशीन या स्ट्रक्चर का वो वर्टिकल मेंबर जिसपे हमेशा कंप्रेसिव लोड या फोर्स लगता हो वो कॉलम होता है। ये जो कंप्रेसिव लोड या फोर्स है वो एक्सियल, अब एक्सियल क्या होता है, एक्सियल मतलब बिल्कुल अक्ष से जाने वाला, एक्सियल या एक्सेंट्रिक लगता हो, एक्सेंट्रिक मतलब अक्ष से थोड़ा हटके। अब वर्टिकल मेंबर है किसी मशीन या स्ट्रक्चर का और ये इसका अक्ष हो गया। अब अगर लोड लगता है कंप्रेसिव लोड तो बिल्कुल अक्ष पे लगे या अक्ष से थोड़ा दूर हटके, ई दूर हटके, ई मतलब क्या होता है, उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल लगता हो या एक्सेंट्रिक लगता हो ये कॉलम कहलाता है। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट में भी कंप्रेसिव लोड लगता है लेकिन वो कंप्रेसिव लोड एक्सियल लगता है, एक्सेंट्रिक नहीं लगता है। और ये जो है वर्टिकल के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी एंगल पे हो सकता है। इस तरह से मान लीजिए ये एंगल है, अब इस पे कंप्रेसिव लोड एक्सियल लगता है मतलब अक्ष पे लगता है, ये होता है स्ट्रट। अब कॉलम का एग्जांपल क्या होता है, छत को सपोर्ट करने के लिए नीचे से पिलर्स लगे होते हैं, ये जो पिलर्स होते हैं यही पिलर्स कॉलम कहलाते हैं, इन पिलर्स पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फोर्स लगता है। कहने का मतलब यह है कि कॉलम को हम स्ट्रट बोल सकते हैं लेकिन स्ट्रट को हम कॉलम नहीं बोल सकते हैं, कॉलम को स्ट्रट बोल सकते हैं लेकिन स्ट्रट को कॉलम नहीं बोल सकते हैं। जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है और उस पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, जैसे ये एक वर्टिकल मेंबर है इस पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड उसके अक्ष पे लगता है या अक्ष से थोड़ा दूर हटके, जिसको एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। और जो हमारा स्ट्रट होता है वो वर्टिकल के अलावा किसी अन्य स्थिति में होता है उसे एक्सियल लगता है, एक्सेंट्रिक लोड नहीं लगता है, उसको कहते हैं स्ट्रट। कॉलम स्ट्रट में बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया, लाइक सब्सक्राइब करिएगा।